जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस लिब्रियन अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को देख लेते हैं, इसके सभी मूल बातों को सीख लेते हैं। अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो जो क्लास नाइन्थ का में जो दिया है निर्देशांक ज्यामिति, पूरा का पूरा हल हो जाएगा। तो हम लोग इसके सभी मूल बातों को जान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति। अब इसमें जो एक पट वाली रेखा है ऐसे, इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं यक्ष अक्ष। और जो ऐसे खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि यहाँ पर, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये हो गया हमारे यक्ष अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब यक्ष अक्ष में यहाँ से मूल बिंदु से इधर दाहिने तरफ जाएंगे तो इधर जो भी बिंदु आएंगे धनात्मक होते हैं, यहाँ से वाई अक्ष पर ऊपर जाएंगे तो ये भी धनात्मक होता है। यक्ष अक्ष में इधर यहाँ से बाएं तरफ जाएंगे तो ये ऋणात्मक होता है, और वाई अक्ष में यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये भी ऋणात्मक होता है। अब आगे इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें जो प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा, आगे हम लोग सीखेंगे कि बिंदु को कैसे दर्शाते हैं, चाहे कोई भी बिंदु कहाँ पर है उसका निर्देशांक क्या होता है, ये सब आगे हम लोग सीखेंगे। तो इसमें प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा वो दोनों धनात्मक रहेंगे, मतलब इसमें के जो भी बिंदु रहेंगे दोनों का चिन्ह धनात्मक रहेगा। जो द्वितीय चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएंगे तो इसमें का जो पहला वाला बिंदु रहेगा वो ऋण में रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, और दूसरा वाला जो बिंदु रहेगा वो धनात्मक रहेगा। तृतीय चतुर्थांश में जो बिंदु आएंगे वो दोनों ऋणात्मक रहेंगे, यानी पहला भी ऋणात्मक दूसरा भी ऋणात्मक। और चतुर्थ चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएंगे तो पहला वाला धनात्मक और दूसरा वाला ऋणात्मक। इसको ध्यान रखेंगे, पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएंगे दोनों धन में रहेंगे, यानी दोनों धनात्मक रहेंगे तो पहले चतुर्थांश में आएंगे। अगर पहला वाला ऋणात्मक दूसरा वाला धनात्मक तो वो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे। दोनों अगर ऋण में हैं तो आएंगे तीसरे चतुर्थांश में, और दोनों अगर धन में नहीं अगर सॉरी अगर पहला धन में दूसरा ऋण में है तो यह आएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में। अब आगे देखते हैं, जैसे कोई भी बिंदु दिया है अगर उसको हमको पता करना है कि वो बिंदु कहाँ पर है तो उसको कैसे खोजते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा है 4-3, इसमें कहाँ पर होगा, पहला हो गया, दूसरा ये हम ले रहे हैं 2-3, तीसरा ले रहे हैं 3-2, और चौथा ले रहे हैं 5-0। अब इन चार बिंदुओं को इसमें देख लेते हैं। ये तो हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0-0, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये होता है 0-0। अब देख लेते हैं उन चारों बिंदु कहाँ कहाँ है। तो पहला है 4-3, तो 4-3 अब वो देखते हैं कि किस चतुर्थांश में आएगा। तो पहला धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक, यानी कि
इसमें आएगा, पहला धन में है, दूसरा ऋण में है, मतलब इस चतुर्थांश चौथे चतुर्थांश में आएगा। अब उसको खोजते कैसे हैं, एक बताओ, कोई भी बिंदु दिया है उसमें के जो पहला वाला बिंदु, पहला वाला मान होता है, इसको बोलते हैं भुज। और दूसरा वाला को बोलते हैं कोटि, पहला को भुज, दूसरा वाला को कोटि। अब देख लेते हैं इस बिंदु को, इसमें कहाँ पर है। तो हम लोग तो जान चुके हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब चौथे वाले में है। अब उसको खोजेंगे कैसे, कहाँ पर वो बिंदु है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला वाला देखते हैं, पहला क्या है, चार है। तो यक्ष अक्ष पर पहले वाले जो दूरी दिया है, चाहे जो भी संख्या दिया है, उसको यक्ष अक्ष पर चलते हैं। अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ से इधर जाएंगे, अगर माइनस में है तो यहाँ से इधर जाएंगे, प्लस में अगर है तो यहाँ से इधर जाएंगे, और माइनस में है तो यहाँ से इधर जाएंगे। पहले वाला जो संख्या दिया है उसको यक्ष अक्ष पर चलते हैं। तो पहला चार दिया है, वो प्लस में दिया है, तो चार जाएंगे यहाँ से हम लोग इधर, यानी कि आ गए हम लोग यहाँ पर। और दूसरा बिंदु दिया है माइनस तीन, दूसरा लोग चलते हैं वाई अक्ष पर। तो अगर प्लस रहेगा तो ऊपर जाएंगे, माइनस रहेगा तो नीचे जाएंगे। वो दिया है वहाँ पर माइनस तीन, माइनस तीन दिया है ना, तो माइनस तीन दिया है तो हम आ जाते हैं यहाँ से, चलेंगे हम लोग यहाँ नीचे आ जाएंगे यहाँ पर। अब पहले पहुँचे थे यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों तरफ से ऐसे आग बढ़ाते हैं, लाइन खींचते हैं, और यहाँ से भी ऐसे लाइन खींचेंगे। जहाँ पर दोनों एक काटेगा वो बिंदु वहीं पर होगा, मतलब यहाँ पर ये बिंदु है और इसका निर्देशांक है चार काम और माइनस तीन। फिर तक अगला है दो कामा तीन, अगला बिंदु है दो कामा तीन। तो दो कामा तीन, अब हम लोग देख रहे हैं दोनों धनात्मक है, तो किस चतुर्थांश में आएगा, पहले वाले चतुर्थांश, मतलब पहले वाले घर में आएगा। तो इस घर में आएगा तो अब उसको देख लेते हैं कहाँ पर है वो बिंदु। तो अब हम बताए हैं जो पहला बिंदु है इसको हम लोग यक्ष अक्ष पर चलते हैं, मतलब जो पहली संख्या है इसको यक्ष अक्ष पर चलते हैं, और दूसरे वाले को वाई अक्ष पर। अब पहला दो है तो यक्ष अक्ष पर चलेंगे, क्योंकि धनात्मक है तो इधर जाएंगे, तो आ गए हम लोग यहाँ पर। और दूसरा तीन है तो वाई अक्ष पर चलेंगे, तो आ गए यहाँ पर। अब यहाँ से ऐसे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, जहाँ पर काटेगा यानी कोई कोई बिंदु होगा, यानी कि यहाँ पर है हमारा दो का मत तीन। अगला बिंदु है माइनस तीन का मान माइनस दो। तो माइनस तीन का मान माइनस दो, अब ये कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में रहने का मतलब कि आएगा तृतीय चतुर्थांश में। तो माइनस तीन और माइनस दो, तो पहले एक सच पर चलते हैं, तो माइनस तीन आने के आगे हम लोग यहाँ पर, माइनस तीन आ गए यहाँ पर, और दूसरा है माइनस दो, तो माइनस दो आ गए यहाँ पर। अब यहाँ से ऐसे हम नीचे आएंगे और यहाँ से ऐसे जाएंगे इधर, मतलब जहाँ पर काटेगा वो बिंदु यहीं पर हो, मतलब ये बिंदु यहीं पर है, क्या है माइनस तीन का मान माइनस दो। आगे पाँच का मान जीरो, पहला लोग एक्स अक्ष पर चलते हैं, दूसरा वाई अक्ष पर। तो पहला है पाँच, एक्स अक्ष पर चलेंगे वो धन में है, तो आएंगे इधर, आ गए हम लोग पाँच यहाँ पर आ गए। और दूसरा है चलना है वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर कितना जाना है जीरो, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, मतलब जो बिंदु आएगा यहीं पर आएगा, यहीं पर हमारा वो बिंदु है पाँच का मान जीरो। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर जो कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।